का कड़े पालन, जाने क्या करें और क्या ना करें। इस वर्ष जीवित पुत्री का व्रत या जितिया 18 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। बता दें कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस व्रत को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा और उसके सुखमय जीवन के लिए करती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। बताते चले कि कथा के अनुसार जीमूतवाहन वह है जिन्होंने नागवंश की गरुड़ देव से रक्षा की थी, जिसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने उनके परोपकार से प्रभावित होकर नागवंश को जीवन दान दिया था। इस दौरान उन्होंने पक्षीराज गरुड़ ने जीमूतवाहन को वचन दिया था कि वे नागवंश को अपना भोजन नहीं बनाएंगे। इस पर्व को लेकर कई तरह के नियम बनाए जाते हैं और साथ ही महिलाओं के मन में भी इससे जुड़ी कई तरह के प्रश्न होते हैं कि इस पूजा के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पूजा के नियम क्या है, इस प्रकार के कई प्रश्न सामने होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत के क्या नियम है। इस व्रत के शुरू होने से एक दिन पहले महिलाओं को पूर्व से सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान महिलाएं लहसुन प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों को सेवन गलती से भी ना करें। जीवित पुत्री का व्रत में महिलाएं निर्जला और निराहार रहते हुए भगवान की पूजा करती है। वहीं व्रत से एक दिन पूर्व भोजन करते हैं। उसके बाद व्रत के दिन कुछ भी खाना और पीना वर्जित होता है। फिर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही पालन किया जाता है। इस व्रत में सभी माताओं को 24 घंटे से अधिक समय तक बिना भोजन पानी के रहना पड़ता है, इसलिए इस व्रत की गिनती सबसे कठिन व्रतों में की जाती है। इस व्रत की पूजा के समय सभी माताएं जीवित पुत्री का व्रत कथा या जीमूतवाहन की कथा सुनती है। बता दें कि इस व्रत से सभी जुड़ी दो कथाएं हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा करने के लिए सभी लोगों के द्वारा गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की कुश से निर्मित मूर्ति का उपयोग करते हैं, जो कि आसानी से बाजारों में उपलब्ध हो जाती है। इस पूजा को लेकर कई स्थानों पर पारण वाले दिन सुबह में जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की जाती है, लेकिन यह पूजा आप उसी तरह से करें जिस तरह से आप करते आ रहे हैं या जिस तरह से आपके यहाँ विधान हो। वे महिलाएं जो अपने बच्चों के लिए यह जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं, वो इस बात का ध्यान दे या पूरी तरह कोशिश करे कि व्रत के एक दिन पूर्व उचित मात्रा में पानी पिए और उस प्रकार के फलों का सेवन जरूर करे जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। इससे शरीर में पानी की मात्रा में कमी नहीं आएगी। आचार्यों का ऐसा मानना है कि इस दिन के समय को माताओं को भगवान भजन कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए और इसके साथ ही ईश्वर से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत में माताओं को क्या नहीं करना चाहिए या किन चीजों को करने से वर्जित रहना चाहिए। व्रत के दिन माताओं को झूठ बोलने से बचना चाहिए और साथ ही उन्हें किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। आचार्यों का मानना है कि यह पूजा तभी सफल होती है जब जीवित पुत्रिका व्रत करने वाली महिलाओं का मन साफ हो, और यही कारण है कि ऐसा कहा गया है कि धार्मिक कार्यों से पुण्य प्राप्ति के लिए मन वचन और कर्म से शुद्धता अपनाना चाहिए। इस व्रत को करने के दौरान आप अपने मन में किसी के प्रति घृणा न रखें। इसके साथ ही बुरे कार्यों जैसे लालच चोरी जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। यह व्रत संतान के लिए रखा है तो यह कोशिश करें कि उसे दुखी ना करें और साथ ही वैसी स्थितियों से बचें जिससे वाद विवाद में ना फंसे। ऐसा ही संतान से भी अपेक्षा की जाती है कि इस जीवित पुत्री का व्रत के दौरान वे अपनी माँ के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उन्हें दुखी करने से बचें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।